सूरह बंदाए बेसूरत अंद पेश ऊरू अंद वोगर नफी उफ्तनंद तमाम सूरतें और रूहें उस बेसूरत परमात्मा के गुलाम हैं, उसके हाथों के बोए हुए ये बीज हैं जो उसी के सामने उगे, मगर अचरज और दुख ये है कि वे उगी हुई तमाम सूरतें अपने रब का इनकार करने वाली हो गईं और कहने लगी, कहाँ है वो परमात्मा, कहाँ है वो सृजनहार, यानी वो कहीं नहीं है। ये दुनिया ये जहान बगैर किसी के बन गए हैं। परमात्मा परमात्मा की रट लगाने वाले लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, धोखे में हैं। किसने देखा है परमात्मा को? दरिया के पानी में जैसे चांद चमकता है, ऐसे ही मेरे दिल में तो दिन रात चमकता है। आसमान में पूनम का चांद चमकता है और उसकी परछाई नदी और समुद्र के जल पे पड़ती है। ऐसे ही ऐ मेरे परमात्मा, तेरे प्रकाश की छाया रात दिन मेरे दिल के शीशे में चमकती है। मैं दरिया हूं, तू मेरा चांद है, मेरे पानी में तेरी छाया है। मेरे घर मेहमान बनके थोड़ी देर को तू आया है। रात जैसी जिंदगी है, पानी जैसा जिस्म है, इस पानी में परमात्मा की छाया चमकती है। देखने वाले देखते हैं और जो अंधे हैं वो क्या देखेंगे। इस नापायदार जिस्म में, इसके पानी में कुछ समय तक ये जिंदगी रोशन है। आदमी का जिस्म क्या है, आत्मा का साया है। ये जिस्म रूह यानी आत्मा का साया है, परछाई है। और आत्मा क्या है? ये आत्मा उस परमेश्वर के प्रकाश की छाया है, उसके नूर का साया है। यानी आदमी परमात्मा के साये का साया है। जो उस प्रभु की याद में हैं, वे देवताओं के साये हैं। तुम्हें जो पवित्र आत्मा वाले लोग दिखाई दें, समझना वे देवताओं के अक्स हैं, छाया हैं।
जो लोग कड़वी बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मकर फरेब और दुनिया में जो जाल बिछाते हैं, समझ लेना उन पे बुरी आत्माओं के पिशाचों के साए हैं। तेरे ख्याल में परमेश्वर मेरी हस्ती फना हो गई, ढूंढते ढूंढते बूंद तुझे समंदर में कहीं खो गई। तू समंदर है, मेरी आत्मा एक बूंद है, तेरे ख्याल में मेरी हस्ती गुम है, फना है, और ये बूंद सागर में रह के सागर को खोजती है और उसी में गुम हो जाती है। फूल बिखरे हैं रास्तों पे, कौन यहां से गुजरा है, तू नहीं तो तेरा साया मेरे दिल से गुजरा है। मट्टी से घास उगी है, फूल उगे हैं, जरूर यहां से परमात्मा की रहमतें गुजरी हैं। ए परमात्मा, तू नहीं तो तेरा साया, तेरी रोशनी जरूर मेरे दिल से गुजरी है, इसीलिए दुनिया में ये फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। सरसों के दाने में शहर खुदा का नाचते लाखों फरिश्ते, लाखों ऊंट सुई के रोजन में से पार निकलते। इस आत्मा की मिसाल उपमा सरसों के दाने के बराबर है। ये रोशनी का दाना सरसों के दाने के बराबर, और इसमें तमाम दुनिया जहान समाई है। 84 लाख जूना जून, असंख्य देवता और फरिश्ते और नक्षत्र इसमें परिभ्रमण करते रहते हैं। लाखों अहंकारी ऊंट की तरह गर्दन उठाए हुए लोग, राजे महाराजे और परमात्मा का इनकार करने वाले लोग, उनको वो परमात्मा कूट पीस के धूल के बराबर कर देता है। उन अहंकारियों को वो सुई के रोजन में से निकालता है, उनकी दुर्गति करता है और उनके मुंह में वक्त आने पर ज्ञान का अमृत डालता है। कुछ बूंदें डाल के उनको ज्ञान की भूमि में फिर से जीवित करता है। प्रभु कहीं तू ढूंढे कहीं, कौन तुझे समझावे, चांद तो आसमान में पानी में नजर आवे। परमात्मा तेरे भीतर है, तू ढूंढता कहीं और है, अपने भीतर उसे ढूंढ। संत राबिया बसरी, चांदनी रात में बाहर रास्ते पर सुई ढूंढ रही हैं। एक मुसाफिर को कहा, भैया मेरी सुई ढूंढवा दो, बहुत देर हो गई मिली नहीं। कहा, तुम्हारी सुई कहां खोई गई थी? कहा, भीतर घर में।
बोले तो तुम बाहर क्यों ढूंढती हो कि भीतर अंधेरा है, बाहर उजाला है। इस जिस्म के भीतर अंधेरा है, बाहर दुनिया में चमक दमक है। पर वो तो जहां है वहीं पे मिलेगा। एक रानी का हार खोया गया, तमाम लोग ढूंढने आए। एक सरोवर में रानी स्नान करने गई थी, वहां ढूंढा पानी साफ कराया, पानी ठहरा तो तली में देखा हार पड़ा है। गोताखोर गए बहुत कोशिश की पर हार ना उठा सके। मुट्ठी में रेत और मट्टी आ जाती, पानी ठहरता तो फिर हार चमकने लगता। एक संत फकीर उधर आया, उसने पानी में चमकते हार को देखा और फिर ऊपर की तरफ देखा, तो क्या देखा कि एक चिड़िया हार को ले गई थी और पेड़ पे वो हार टंगा था और उसका अक्स छाया पानी पे पड़ती थी, जिसको गोताखोर ढूंढते थे। जब तुम्हारी निगाह सही जगह पे पहुंच जावेगी तो तुमको वो वस्तु भी मिल जावेगी, परमात्मा भी मिल जावेगा। फिकर करे 100 साल की दरवाजे पे मौत खड़ी, आज के दिन को संवार ले, तुझको बरसों की पड़ी। एक राजा बड़ा परेशान हुआ, 4 पीढ़ियों तक तो खाने को है, 5वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसका वजीर बड़ा समझदार था, एक संत के पास ले गया, कुछ भोग सामग्री ले गए। उस संत ने तुरंत सबका सब बंटवा दिया। राजा ने कहा, महाराज कुछ कल के लिए भी रख लो। बोले, हम फकीर हैं, जिस परमात्मा ने आज दिया है वो कल भी देगा, तुम बताओ तुमको क्या परेशानी है। बादशाह ने कहा, बस मेरी समस्या हल हो गई। मैं 5वीं पीढ़ी के बारे में सोचता था और परमात्मा पे मुझे यकीन न था, तुमको देख के मेरा हृदय शीतल हो गया। खा खा के ठोकरें आदमी चमकता है, खुद में झांक के देख प्रभु का गुलिस्तान चमकता है। उस परमात्मा का बाग, उसका स्वर्ग का गुलशन तेरे भीतर है। पानी में कोई डले मारे, चांद है आसमान में, कोई कुछ भी कहे मुझे, मैं तो प्रभु तेरे ध्यान में। मौत नमक की खान है, सबको कर देगी एक सा, क्या कीकर है क्या गुलाब, मट्टी में मिलके है एक सा। चूं आहंग रफ्तन कुनद जाने पाक, चबर तख्त मुर्दन चबर रुए खाक। कोई तख्त पे मरे या मट्टी पर मरे, मरने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। जिस्म के पहलू में रूह है और ये रूह रब के पहलू में है। तू देख तेरा दिल कहाँ है, दुनिया में या उस परमात्मा के पहलू में। ऐ बुलबुल खामोश रहे, फूल की आवाज सुन। ऐ मेरे दिल खामोश रहे, अपने रब की बात सुन। खामोश हो जा,
दुनिया में बकबक न कर, अपने भीतर से आती हुई परमात्मा की आवाज को सुन। कभी बुलंदी कभी पस्ती में हैं तारों की गर्दिशें, बादशाही कभी फकीरी है नसीब की गर्दिशें। भाग्य से कोई फकीर कोई बादशाह हो जाता है। जो प्याला मैंने तुमको दिया, बुजुर्गों के घड़े से मैंने भरा। नाप नाप के उस प्रभु ने एक एक प्याला भरा। मैं जो तुमसे ईश्वर की बातें कहता हूं, ये सब पुराने ऋषियों और पैगंबरों और देवताओं के वचन हैं। ये प्याला जो तुम्हारे सामने है, ये सनातन काल से परमात्मा ने तुम्हारे लिए भरा है। ऊंचे पहाड़ों की गुफा में एक परिंदा गुम है कहीं, आदमी है सोया हुआ, रूह उड़ती है कहीं। जिस्म के इस पहाड़ में ऊंची गुफा है मस्तक, जहां आत्मा का पंछी खोया है। आदमी दुनिया की नींद में सोया पड़ा है, अगर जाग जावे तो वो अपने हम सफर को, जो आदिकाल से सफर में इसके साथ परमात्मा है, उसको देख ले। गला सड़ा अनार है दुनिया, दूर से ही देख ले। आशना नहीं ये है कमीने, दूर से ही देख ले। ये दुनिया गला सड़ा अनार है, इसके पास न जा। जिनको तू दोस्त समझता है, अपने समझता है, जिनको तू अपने महबूब करके जानता है, वे कमीने लोग हैं। वक्त पड़ने पर तेरे काम न आएंगे, उनको दूर से ही देख ले। कीचड़ में सने कपड़ों को जब तू धो लेवेगा, तेरा रब तुझको अपने सीने से लगा लेवेगा। जब दुनिया की मोहब्बतें तोड़ देंगी तेरा दिल, वो परमेश्वर अपने नूर से भर देवेगा तेरा दिल। मुझे मालूम है मेरा सफर, मुझे अकेले ही तय करना है। रास्ते का हर कांटा उठा उठा के अपने दामन में मुझे रखना है, ताकि मेरे पीछे आने वालों को वो कांटा ना चुभे। क्या बताऊं ऐ हमनशीं, दिल तुझे कितना प्यार करे। चांद न जाने क्यों तेरा इंतजार करे। फुल संदेह वाले बाबा सुनो, इंसान उस रब का खिलौना है। क्या है दुनिया, कभी कांटों का कभी फूलों का बिछौना है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी फूल है कभी कांटे हैं, कभी पतझड़ है कभी बसंत है। दरिया के पानी में जैसे चांद चमक रहा है, ऐसे ही ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सच्चे आसमानी प्रीतम, तेरा प्रकाश मेरे दिल के शीशे में दिन रात चमकता है, दिन रात चमकता है, दिन रात चमकता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।